राजनीति का महासमर शुरू होने को है। जी हाँ, चाहे अभी राजनीति के चुनाव में देर हो, विधानसभा चुनाव में देर हो, लोकसभा चुनाव में देर हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के हार के साथ ही विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। मिशन 2024 अशोक अरोड़ा, जी हाँ, अशोक अरोड़ा के समर्थकों ने मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। और इस शुरुआत में पहला बड़ा इवेंट होने जा रहा है जीएस रिजॉर्ट, जो सलारपुर रोड पर नई राजमंडी के बिल्कुल सामने वहां पर 28 तारीख को, और इस आयोजन को करने में लगे हैं ओम प्रकाश पवलर और उनके साथ पूरी टीम, अशोक अरोड़ा की टीम। मिशन 2024 क्या है और आखिर क्यों जरूरी है अशोक अरोड़ा थानेसर के लिए, और क्यों इतने बड़ा आयोजन कर रही हैं ओम प्रकाश पवलर, उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, बी पॉजिटिव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे, कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, मिशन 2024 एक तरह शुरुआत की जा रही है मिशन अशोक अरोड़ा की, तो आपको जिम्मेदारी सौंपी गई, आपने खुद ये स्वेच्छा से मिशन की आगाज करने का फैसला किया। देखिए, मैंने मंत्री जी के सामने अनुरोध किया था कि आप मिशन 2024 का शुभारंभ करिए, और सभी साथी जो इसमें बिल्कुल तैयार थे, और मंत्री जी ने मुझे जिम्मेवारी दी, हाँ ठीक है आप करिए। तो 28 तारीख को यहाँ पे प्रोग्राम होगा, पूरी कांग्रेस पार्टी और सभी साथी यहाँ पे उनका अभिनंदन करेंगे। ओम प्रकाश जी, आप तो पिछले लंबे समय से अशोक अरोड़ा जी के साथ हो, राजनीति में लोग अवसरवादिता भी होती है, अपने निजी स्वार्थ भी होते हैं, लेकिन आप डटे हो विपक्ष में चट्टान की तरह अशोक अरोड़ा जी के साथ, तो पिछली बार की क्या कमियां रही, हार की हुई, इस बार की क्या तैयारियां आपने होगी? देखिए, सभी साथी कांग्रेस पार्टी के अशोक अरोड़ा जी के साथ हैं। पिछली बार भ्रष्टाचार बहुत हुआ था थानेसर हल्के में भी, अब भी हो रहे हैं, लोग बिल्कुल परेशान हैं, और अब 2024 में जब चुनाव होंगे आप देखना अशोक अरोड़ा जी कम से कम 30-40 हजार वोटों से जीतेंगे। ओम प्रकाश जी, आप जो आयोजन कर रहे हैं बड़ी रिसेप्शन की तरह आयोजन किया जा रहा है, तो गाजे बाजे के साथ मिशन 2024 शुरुआत करना चाहते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, आप देखना 28 तारीख को यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, सारी कांग्रेस पार्टी सभी साथी, मुझे जिम्मेवारी दी है अशोक अरोड़ा जी ने, मेरे ऊपर विश्वास जताया, आप 28 को आओगे, आप यहाँ पे एक जनसभा देखोगे। तो फीडबैक क्या है, जिस तरह बाहर घूमते हैं, हल्के में घूमते हैं, आप कितना बड़ा दावा 30 हजार से जीत रहे हैं अशोक अरोड़ा, दावे के पीछे हकीकत क्या है, आधार क्या है? इतना बड़े दावा मैं भी कर सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, लेकिन सपने लेना आसान है, हकीकत क्या है इसके पीछे? देखिए, मेरी इस पार्टी में कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलावा भी मेरे संबंध बहुत से बीजेपी साथियों से भी है, खुद बीजेपी के जो साथी हैं वो भी परेशान है, आप देखना आने आए समय में भी बहुत से साथी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी अशोक अरोड़ा जी को ज्वाइन करें। चर्चा ये भी है कि 28 तारीख को भी जेजेपी और बीजेपी को बड़ा झटका आप देने वाले हैं, मतलब आपके सहयोग से कुछ आपके मित्र हैं या जो जेजेपी और बीजेपी छोड़ के आने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं भी है, क्या सच्चाई है ऐसी चर्चाओं में? जी हाँ, कई साथियों से हुई है बात, देखना मैं पहले नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 28 को जरूर आए, बड़ा धमाका होगा। हाँ जी, तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो क्या कार्यक्रम रहने वाला है, समय क्या रहेगा, जरा बताएं इस बारे में। समय देखिए, 28 तारीख को दिन रविवार को शाम को 5 बजे जीएस रिसोर्ट में प्रोग्राम है, और आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि सभी साथी जरूर आए। देखिए, जीएस रिसोर्ट में 5 बजे पहुंचेंगे, मंत्री जी आएंगे, तो पूरे हलके को निमंत्रण दिया गया, पूरे हलके को न्योता दिया गया, पूरे हलके को निमंत्रण है, आम आदमी को निमंत्रण है, पूरी जनता को निमंत्रण है, और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण है। ओम प्रकाश जी, इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हो, मेगा शो कह सकते हैं, शुरुआत है मिशन 2024 की, तो आपने कह दिया 30 हजार से ऊपर से जीतेंगे, जीत भी तय लग रही है आपकी, तो मुद्दे क्या रहने वाले इस बार चुनाव में, आप राजनीति जुड़े रहेंगे, ऐसे विपक्ष की राजनीति करना ज्यादा मुश्किल होता है सत्ता की बजाय, तो मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को देख के आपको लगता है कि जीतना है आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो थानेसर में है भ्रष्टाचार का, आप चाहे तहसील में चले जाओ, चाहे आप कमेटी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो बिना परेशानी के किसी भी आम आदमी का कोई काम नहीं होता बिना पैसे दिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे भ्रष्टाचार का है। किसी सड़क पे चले जाओ, सड़क आपको सारी सड़कें हल्के की टूटी हुई मिलेंगी, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है, किसी के पास भी कोई ग्रांट नहीं जा रही, तो सब टोटल फेलियर है सरकार। 3 बुलाए 13 आए दे दाल में पानी, क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए आपको दिखा रहे हैं कितना बड़ा आयोजन होने वाला है, एक मेगा शो होने वाला है, हालांकि बड़ी रिसेप्शन होती है जीएस रिसोर्ट में, यहाँ पर 2 से 3 हजार की सिटिंग कैपेसिटी है, यहाँ बकायदा चेयर लगाई जाएंगी, और एक बेहतरीन आयोजन किया जाएगा, कोई राजनीतिक कार्यक्रम ना होकर ये एक बड़ा आयोजन होगा, जिस तरह की छा मैं, जिस तरह के टेंट्स और जिस तरह की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, तय है कि मिशन 2024 अशोक अरोड़ा की शुरुआत उस दिन हो जाएगी। और साथ ही साथ एक बात और साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर, यहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं, जो ओम प्रकाश पलवल है और उनके साथ सैकड़ों साथी हैं, उनका जोश देखकर ये लगता है कि अब की बारी अशोक अरोड़ा की पूरी तैयारी है, नारा हालांकि
हमने बनाया है, लेकिन नारा हो सकता है यूज किया जाए, लेकिन जैसा कार्यकर्ता को सहा है और जैसा फीडबैक मिल रहा है, जैसा लोग चाहते हैं, लगता है इस पर कुछ अच्छा होने वाला। और ओम प्रकाश परवाल जैसे साथी जो 20 सालों से अशोक अरोड़ा के साथ लगे हुए हैं, निश्चित रूप से इस बार इस मौके को भुनाना चाहेंगे। बी पॉजिटिव न्यूज के लिए चंद्रपुर।